नीट एग्ज़ाम कंट्रोवर्सी में रहा और यूजी के बाद जब पीजी की बात आई तो नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का भी पोस्टपोन उसको टेस्ट को कर दिया गया। जून से अगस्त में वो टेस्ट हुआ 11 अगस्त को और दो से तीन दिन पहले रिजल्ट उसका 23 अगस्त रात को आया है। हमारे साथ वैभव गर्ग हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक बना है। वैभव, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने कब रिजल्ट चेक किया और जब रिजल्ट देखा तो ऑल इंडिया रैंक हो? हाँ जी, एक्चुअली मैं तब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ करनाल में गया हुआ था और मैंने रात को 10 बजे ही अपना रिज़ल्ट देखा और जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा ऑल इंडिया रैंक वन आया है तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और मेरे माता पिता को भी, सबको काफ़ी गर्व महसूस हुआ मुझे मेरे ऊपर। तैयारी किस तरीके की थी और क्योंकि नीट तो खुद कंट्रोवर्सी में रहा। हाँ जी, ये काफ़ी लंबी तैयारी होती है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही लंबी रहती है। इसमें पहले 12th क्लास के बाद नीट यूजी की परीक्षा की होती है जो इस साल काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, नीट यूजी की परीक्षा जो 12वीं के बाद होती है। एंड उसके बाद सभी लोग जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं वो MBBS की पढ़ाई करते हैं और MBBS के 5-5.5 साल के बाद अभी नीट PG की परीक्षा हुई थी 11 अगस्त को, उसमें मेरा प्रथम स्थान आया है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई। ये आपका ऑल इंडिया रैंक 69 भी रहा था 2018 में जब? हाँ जी, मेरा ऑल इंडिया रैंक 69 था नीट यूजी 2018 में, जब 6 साल पहले मैंने दिया था। कितना, क्योंकि काफ़ी आपने लंबे टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे हो इसमें, तो ये जब आप MBBS की पढ़ाई भी कर रहे थे तो उस टाइम कैसे टाइम डिवाइड करते थे और किसका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? फैमिली लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। हाँ जी, डेफिनेटली जैसे MBBS मेरा स्टार्ट हुआ तो शुरू से ही हमारे पूरा कॉलेज का जैसे होता है उसमें उसको साल में डिवाइड किया जाता है जिसका अलग अलग हर साल में अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मेरा यही रहता था कि जो भी सब्जेक्ट हमें कॉलेज में प्रोफेसर्स जो हमारे कॉलेज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के काफ़ी अच्छा वो सिखाते हैं और हमारा पेशेंट एक्सपोजर भी जो क्लिनिकल ईयर्स आते हैं उनमें वार्ड में जाके हम जो मरीज़ देखते हैं। हाँ जी, सेक्टर 32 चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर काफ़ी अच्छा करिकुलम है। तो वहाँ के सभी प्रोफेसर्स जो हमें पढ़ाते थे अपने पूरे दिल से पढ़ाते थे जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिलती थी कि हम और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। और उसके बाद साथ में जैसे कॉलेज की पढ़ाई भी होती थी और प्रैक्टिकल्स भी होते थे और क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी होती थी। उसके बाद जो बचा समय मिलता था उसमें मैं जो हमारी बुक्स होती हैं इस अलग अलग सब्जेक्ट्स की उन पर मैं ध्यान देता था और साथ साथ ये जो इससे आगे MD की परीक्षा है उसके साथ भी तैयारी करता था साथ में। तो अभी आगे क्या सोचा? अब तो रैंक वन आ गया है और पूरा, क्योंकि सेकंड और थर्ड आपने बताया गुजरात और कहीं और से है, तो एक तो नॉर्दर्न रीजन में, क्योंकि एक इंस्पिरेशन भी हो, आप चंडीगढ़ के लिए इंस्पिरेशन हो, तो आगे अब क्या, कैसे, किस तरीके का आपका पाथ रहने वाला? आगे मैं दिल्ली में MD मेडिसिन लेने का मेरा सोचा है मैंने अभी। और दिल्ली में RML हॉस्पिटल, PGI RML हॉस्पिटल है कनॉट प्लेस में, वो मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है और मैमसी दिल्ली भी अच्छा है। तो इनमें से मैं कहीं इसी एक जगह MD मेडिसिन आगे करूँगा। कितने आवर्स की स्टडी रहती थी और कैसे डिवाइड कैसे करते थे आप? कितने टाइम हॉस्पिटल रहते थे और आकर किस तरीके की प्रिपरेशन के लिए? जैसे MBBS का जो आखिरी 1 साल होता है उसमें इंटर्नशिप भी रहती है साथ में। तो जब मेरी ड्यूटी होती थी 6 या 8 घंटे की तो मैं कोशिश करता था कि जो उसके बाद समय बचता था 3-4 घंटे उसमें मैं पढ़ सकूँ। और आखिरी के कुछ महीने जब ड्यूटी नहीं थी तो फिर रोज़ में 12 घंटे की कोशिश करता था। ये खुद सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ जी, मतलब ऑनलाइन, जैसे ये एग्ज़ाम ऑनलाइन पैटर्न में होता है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड MCQ एग्ज़ाम होता है, तो मैं उसी तरह मॉक टेस्ट भी अब खुद ही देता था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। तो उनके मैं टेस्ट देता था और उनके क्वेश्चन सॉल्व करता था जो पैटर्न, जिस पैटर्न में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। पेरेंट्स की कैसी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि पेरेंट्स का बड़ा हार्ड वर्क रहता है? हाँ बिल्कुल, ये पेरेंट्स का पूरा, उन्होंने जब से मैंने मेडिकल लिया है तब से लेकर अब तक जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किया है हर स्टेज पे, अपने सारे फंक्शंस को उन्होंने अवॉइड किया है, हर स्टेज पे जो भी मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। उन्होंने, उनके सैक्रिफाइसेस, एक डॉक्टर को बनाने में जितना उसके परिवार का सैक्रिफाइस होता है इतना सैक्रिफाइस और कहीं भी नहीं होता है। औरों के लिए कैसे आप मानते हैं इसको इंस्पिरेशन, या क्या कहना चाहिए जो प्रिपेयर करते हैं और इस लाइन में आना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल दिल से, जो मरीज़ अस्पताल में आया है वो इसी आस के साथ आया है कि उसको, उसके जो परिवारजनक है वो वहाँ से ठीक होके जाए। ऑल्दो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में भी आते हैं, बट फिर भी डॉक्टर भी अपने दिल से यही कोशिश करता है कि हर मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके और वो ठीक होके जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल में मरीज की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और डॉक्टर बहुत कम नंबर में होते हैं, तो उसके कारण मुझे लगता है कि कभी कभी ठीक केयर नहीं भी मिल पाती। तो मैं आगे जो बनने वाले डॉक्टर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने पूरा दिल से जो भी आप जब अगर आप MBBS में हो तो पूरे दिल लगा के पढ़ाई करो, और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो पूरी जी जान लगा के आप इस प्रोफेशन के लिए मेहनत करो आप, और उसमें आगे बढ़ने के लिए आप पूरी मेहनत करके पेशेंट से कैसे बात करनी है उसके बारे में भी सीखो। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए जो हो सके वो करें, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, डॉक्टर्स ज़्यादा नंबर में होंगे तो पेशेंट सारे गवर्नमेंट अस्पतालों में आना चाहेंगे और उनको अच्छा इलाज मिलेगा। कि पेरेंट्स करते क्या है, मदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं और कितना टाइम देते थे? मेरे फादर HPCL पंचकुला में इंजीनियर हैं और मेरी मदर DAV सूरजपुर में प्राइमरी स्कूल टीचर है। तो उन्होंने शुरू से ही, जैसे मेरे परिवार में और कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं पहला डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने शुरू से ही मुझे प्रेरित किया कि ये डिसीजन वैसे मेरा ही था, बट उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि कहीं मैंने ये गलत फैसला तो नहीं लिया। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आगे इसकी तरह बढ़ता रहूँ। ठीक है, तो वैभव गर्ग जैसे बता रहे थे, इनकी स्टोरी है, इनका हार्डवर्क है। 10 से 12 घंटे पढ़ाई ये नीट के एग्ज़ाम के लिए करते थे और आज नीट जो पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम है उसमें रैंक 1 ऑल इंडिया इनका है और हरियाणा से रूट्स हैं। और अब आगे जो लोग अस्पतालों में जाकर जैसे उनकी हालत रहती है उनकी मदद के लिए अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।